हेलो दोस्तों, फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। फिर हम एक नए वीडियो लेकर आए, जो हमारा टॉपिक है टेक्नीशियन वैकेंसी नोटिस, यानी कि 2024 यानी कि अभी टेक्नीशियन की वैकेंसी का नोटिस रेलवे बोर्ड ने जारी कर दिया गया है। तो चलिए जानते हैं कितने पदों पर ले रही है टेक्नीशियन की भर्ती और इसका एग्जाम किसे कब होगा और अप्लाई करने का समय कब है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रही हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर लें। चलिए जानते हैं इसको सीट दे दिया गया है, वो है 9000, यानी कि 9000 पदों पर ले रही है भर्ती टेक्नीशियन की। और जो वैकेंसी आएगी, वैकेंसी वो आएगी फरवरी 2024 में इसकी वैकेंसी आ जाएगी। और जो अप्लाई करने का समय है, यानी कि फॉर्म भराना जो स्टार्ट होगा, वो होगा मार्च से अप्रैल के बीच में, ठीक है। और एग्जाम जो होगा वो होगा अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बात करें, वो होगा फरवरी 2025। और अगले वैकेंसी जो आएगी टेक्नीशियन की, वो आएगी अप्रैल में, अप्रैल 2025 इसकी वैकेंसी 2025 में आ जाएगी टेक्नीशियन की। तो ये था टेक्नीशियन की वैकेंसी का नोटिस में यही सब लिखा हुआ। तो सीट दिया गया है 9000 की, 9000 पदों पर लेगी भर्ती टेक्नीशियन की। वैकेंसी जो आएगी वो फरवरी 2024 में आएगी। अप्लाई करने के यानी फॉर्म भराना स्टार्ट होगा, वो होगा मार्च अप्रैल के बीच में। और एग्जाम जो होगा अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इसका एग्जाम हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बात करें, इसका होगा फरवरी 2025 में। अगले वैकेंसी जो आएगी, इसी वैकेंसी में बताया गया है कि अप्रैल 2025 में इसकी वैकेंसी फिर दोबारा रिलीज करेंगे। तो ये था रेलवे बोर्ड ने जारी किया था नोटिस सिर्फ। तो फरवरी 2025 में आपको फिर से देखने में मिलेगा टेक्नीशियन की वैकेंसी। तो जो बच्चे टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये बड़ी बहुत अच्छी खुशखबरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब के लिए जय हिंद।